हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिस्क कॉर्नर। और आज का वीडियो है फेस चीट मास्क के बारे में। और ये सारे मास्क मैंने नायका से परचेस किए हैं और मैं इनका रिव्यू करने वाली हूँ। साथ ही साथ हमें इन मास्क को कैसे और कब परचेस करना है और साथ में एक ट्रिक बताने वाली हूँ हमें इस मास्क को कैसे यूज़ करना है इन अफोर्डेबल वे। एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ रिस्क डॉट कॉर्नर। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट है रोज प्लस गोट मिल्क फॉर नरिश प्लस रेडियंट स्किन, और इस पर लिखा है मेड इन कोरिया। और इसमें रोज़ एंड गोट मिल्क है। रोज़ जो है लॉक कर देता है मॉइस्चर को एंड हेल्प करता है रिड्यूस पोर्स एंड डिस्कलरेशन, और हमारे स्किन को प्रोवाइड करता है नेचुरल रेडियंस। गोट मिल्क में विटामिन B12 एंड B1 होता है, और विटामिन B12 एंड B1 दैट एक्ट एज अ लाइफ सेवर फॉर ड्राई सेंसिटिव स्किन और प्रोवाइड करता है हाइड्रेशन एंड ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन। और ये मास्क अप्लाई करने हमारी स्किन को जिस रेडियंट ग्लो आता है विद इन मिनट्स। नेक्स्ट है ब्लैक मड प्लस एलोवेरा फॉर प्योरीफाइड एंड हाइड्रेट स्किन। ब्लैक मड में मिनरल्स एंड आयरन होते हैं, और ये हमारे स्किन से इम्प्योरिटीज निकाल देते हैं और हमारी स्किन फ्रेश एंड क्लीन लगती है। एलोवेरा को स्किन सेवियर कहा जाता है। एलोवेरा हमारे स्किन को हाइड्रेट एंड सूथ करता है, हमारी स्किन सॉफ्ट एंड सपल बना देता है, और ये मास्क अप्लाई करने पर हमारी स्किन क्लियर एंड हाइड्रेट होती है। नेक्स्ट है राइस वाटर प्लस वाइट टी फॉर टोन्ड एंड फॉर्म स्किन, और इसमें है राइस वाटर। राइस वाटर ट्रेडिशनल कोरियन ब्यूटी सीक्रेट। राइस वाटर में विटामिन, अमीनो एसिड, फेरिक एसिड होते हैं। राइस वाटर हेल्प स्मूदन द अपीयरेंस ऑफ और स्किन एंड बैलेंस करता है एक्सेस सीबम जनरेशन को। नेक्स्ट है इसमें वाइट टी। वाइट टी एक्सट्रैक्ट एनहांस करता है नेचुरल इलास्टिसिटी हमारी स्किन की एंड प्रोवाइड करता है मच नीडेड न्यूट्रिशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ राइस वाटर प्लस वाइट टी गिव्स अ टोन एंड ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन इंस्टेंटली। नेक्स्ट है राइस प्लस कमेलिया फॉर नरिश एंड रेडियंट स्किन, और इसमें राइस है। राइस में मिनरल एंड न्यूट्रिएंट होते हैं। राइस एक्सट्रैक्ट बैलेंस करता है सीबम जनरेशन को एंड इम्पैक्ट ऑन नेचुरल ग्लो टू गिव अ ब्राइटन स्किन। एंड सेकेंड, कमेलिया सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट इम्प्रूव करता है स्किन की इलास्टिसिटी को एंड इंटेंस नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्किन को। और ये मास्क अप्लाई करने पर हमारी स्किन फ्लॉलेस एंड रेडियंट लगती है। नेक्स्ट है पर्ल प्लस हाइलोरोनिक एसिड फॉर फॉर्म एंड ब्राइटन स्किन। पर्ल में विटामिन एंड ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है। विजिबली फेयर एंड रेडियंट ग्लो आता है पर्ल से। हेलोरोनिक एसिड है इसमें। हेलोरोनिक एसिड को स्मार्टर न्यूट्रिएंट कहा जाता है। हेलोरोनिक एसिड हाइड्रेट करता है स्किन को एंड इंक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ स्किन। द पावरफुल पेयर ऑफ पर्ल एंड हेलोरोनिक एसिड गिव्स अ ग्लोइंग एंड एज डिफाइंड स्किन। तो इसे अप्लाई कैसे करना है? फर्स्ट फेस को क्लीन कर लीजिए, देन टोनर अप्लाई कर लीजिए। आपके पास टोनर नहीं है तो कोई बात नहीं, फेस को क्लीन कर लीजिए, देन अप्लाई मास्क। इस तरह से ओपन करना है मास्क को, देन फेस पर अप्लाई कर लीजिए एंड प्रॉपरली स्प्रेड कर दीजिए फेस पर। और 10 से 15 मिनट तक हमें फेस पर रहने देना है मास्क को। 15 मिनट्स के बाद मास्क को रिमूव करना है, और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स चीन की तरफ से रिमूव करना है मास्क को। और मास्क रिमूव करने के बाद फेस पे थोड़ी सी मसाज करना है, या फिर आप पैट कर सकते हैं, तो सीरम जो है ये अच्छे से स्किन में चला जाएगा। अब जो हमने मास्क रिमूव किया है उसमें थोड़ा सा जो है सीरम बचा हुआ है, उसमें वही मास्क लेकर आपके नेक पर, हाथों पर, पैरों पर अप्लाई कर सकते हैं। सीरम काफ़ी अच्छे से अप्लाई स्प्रेड हो जाएगा। थोड़ा सा सीरम जो बचा हुआ है तो उसे भी आप डायरेक्टली हाथों पर पोर करके नेक, हाथों पर, पैरों पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं जो रिमूव कर लेती हूँ मास्क, तो इसी तरह से हाथों पैरों पर अप्लाई कर लेती हूँ, और बचा हुआ सीरम जो है मैं उसे फ्रिज में रख देती हूँ। एक ही मास्क आप 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए टैबलेट मास्क, या फिर इसे DIY कंप्रेस मास्क भी कहते हैं, और आसानी से ऑनलाइन में मिल जाएगी आपको। और मैंने भी इसे ऑनलाइन ही परचेस किया है, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से।
टैबलेट मास्क हमें इस सीरम वाले पैक में डालना है और आप इसे सीरम बचा हुआ है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं या फिर आप सीरम ही फ्रिज में रख दीजिए और बाद में इस टैबलेट मास्क डालकर देन आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से एक ही मास्क आप 2 times यूज़ कर सकते हैं। मास्क को परचेस कैसे करना है? मैंने इसे नायका से परचेस किया है। काफ़ी सारे मास्क जो है अलग अलग ब्रांड के मार्केट में अवेलेबल है, तो आप कोई भी मास्क परचेस कर सकते हैं और ये मास्क हमें ऑफ़र में परचेस करने हैं। मैंने बाय 7 and get 7 फर्स्ट टाइम परचेस किया था, अभी जो है बाय 5 get 5 ये है मैं मास्क, और एक ऑफ़र होता है बाय 3 and get 3। तो इस तरह से को मास्क परचेस करने हैं ऑफ़र में। वन मास्क जो है 100 rupees का है और अगर आप ऑफ़र में लेते हैं मास्क तो यही मास्क आपको 50 rupees में पड़ेगा। और मैंने जो बताई है ट्रिक उस तरह से आप यूज़ करते हैं मास्क को तो वन मास्क आपको 25 rupees में पड़ेगा। वन मास्क अप्लाई 2 times। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आएंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट ऑन बिलो, हिट द बेल आइकन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।